गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक हमारे नए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी मॉर्निंग 10 बजने वाले हैं, अभी 9:30 बजे के आसपास सो के उठा हूँ। कल रात को नींद ही नहीं लग रही थी भाई साहब, गर्मी थोड़ा ज्यादा लग रहा था क्योंकि मैं आप लोगों को बतलाया नहीं, वाले रूम पे एक भी खिड़की नहीं है। एक बार घूम के दिखला देता हूँ, ये है मेरा रूम, यहाँ पे एक भी खिड़की नहीं है क्योंकि चारों तरफ पैक है और यहीं पे मैं सोता हूँ, यहीं पे एडिट करता हूँ, यहीं पे बैठ के खाना खाता हूँ। वैसे तो मैं फ्रेश हो गया हूँ, अभी मैं चाय पीने के लिए किचन में जा रहा हूँ। चाय पीते हैं भाई, सुबह सुबह चाय मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। ये देखो किचन किस तरह से फैला पड़ा हुआ है, हर दिन का काम है ये। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी पोहा बनाई है अभी अभी जस्ट, बट मुझे तो चाय पीना है। चाय बन गई नहीं तो मम्मी क्या चाय लेट में बनाती है। गाइस नाश्ता कर रहा हूँ, मम्मी मेरे को वीडियो बनाने अरे तो मैं नाश्ता में जा रहा ना। हाँ तो हटा तेरा वीडियो सीधो, फोड़ दूँगी तेरे को, बहुत लेट लेट करता। देखो तो कहाँ बैठी हुई है कैमरे से डर रही है कैमरे से नहीं डर रही, खुद ही रहता सामने से जाने वाला आदमी समझता नहीं है। कुछ भी बना देता है। मम्मी का पूरा खजाना है, पूरा अलमारी में पूरा, किसी का कपड़ा नहीं है, बस मम्मी का कपड़ा है। साड़ी ओनली साड़ी, और देखो पूरा अभी कितना सारा भी निकलेगा पता नहीं, उसमें से मुश्किल से 2 या 3 निकालेगी। अभी भैया भाभी लोग आने वाले हैं, इस वजह से ना पूरा बड़ा भैया भाभी वाले चल रहा है, अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, खजाने निकलते जा रहे हैं। कल भी गई थी मार्केट, आपने देखा होगा, शॉपिंग करने के लिए मैं अपने लिए ली देखो कैसे बोल रही है मम्मी, ये देखो आपने विवास का बता कितना साड़ी रखी है। हाँ तो कितना साड़ी रखी वो पूछ रहा हूँ, तेरे से कोई मंग थोड़ी रहा है। मंगने की बात नहीं है। हाँ तो फिर काहे के लिए सब हो रही है देखो पूरा खजाना ही खजाना है, सबके मम्मी के पास रहता है। उसमें से गिने चुने खरीदेगा 4-10 साल पूछा। अच्छी बात है, पहनना चाहिए लेकिन सड़ा सड़ा को पहनती है। बिल्कुल पहने। टाटा जाने की तैयारी चल रहा है क्या? हाँ देख। हाँ। गाइस ये देखिए पूरा निकाल के रखी हुई है, पूरा बिस्तर में अपना साड़ी तो मैं अपने ऑडियंस को बता रहा हूँ हमारी मम्मी ऐसा ऐसा करती है करके तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो ज्यादा पूछते हैं ना आंटी को कि नहीं दिखाते हो ज्यादा करके, इसलिए सारा एक्टिविटी दिखा रहा हूँ और सब पूछ रहे हैं मेरी शादी कब होगी करके। कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? कुछ नहीं बोलेगी डोकरी देखो कैसे शरीर शरीर के रख रही है, एकदम मैचिंग मैचिंग पहनेगी। बहू बेटे लोग आ रहे इस वजह से पूरा मैचिंग निकला, नहीं तो अभी सड़ा सड़ा पहनती अभी घूमने जाएगी बारात वरात ऐसा निकाल रही साड़ी वाड़ी गाइस तो अभी शाम के 5:15 हो रहे, दोपहर को खाना वाना खा के एडिट में लगा हुआ, और कल का ब्लॉग अच्छा अच्छा कमेंट आ रहे थे, कोई बोल रहे थे कि वो लड़की तानी जी हो सकती है, कई लोग बोल रहे थे सर कि जो भी लड़की है उसको आप बता दीजिए, कई लोग बोल रहे थे कि घर में पहले बताइए उसके बाद उस लड़की को बताइए, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और मेरा मन करता है कि घर में पहले नहीं बताना चाहिए, पहले उस लड़की को बताना चाहिए, लड़की को बताने के बाद में उसके मन में क्या चल रहा है, क्या मुझे पसंद करेगी कि नहीं करेगी वगैरह वगैरह, जो भी बातें हैं वो तो वक्त ही बतलाएगा और आप लोगों के साथ शेयर भी जरूर करूंगा मैं, क्योंकि अब कहानी निकली अपनी
तो बताना भी बनता है आप लोगों को। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आप लोगों को, बैक टू बैक आप लोगों को जानकारी देते रहूंगा कि मेरे लाइफ में क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, क्योंकि इसी के लिए मैं दूसरा चैनल में खोला हुआ मन में था ना, वो इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों के बीच लाकर खड़ा करूं। और आप लोग इतना सपोर्ट और इतना प्यार भी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सोचा नहीं था कि इस पर मैं व्लॉग बनाऊंगा करके। मेरा एक मेन चैनल है व्लॉग्स राहुल के नाम से, उसी पे मैं खुश था, बट मुझे लगा नहीं इस पर भी व्लॉग बनाने चाहिए, जिंदगी की सच्चाई है ना वो आप लोगों के बीच लेके आनी चाहिए करके। तो मेरा अभी मन ये है पहले उस लड़की को मैं फोन करूंगा, फोन करने के बाद में उसका वो क्या चाहती है पता करना जरूरी है। दूसरी बात ये है अभी तो 50-50 है, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये देखो अगर मैं बतला देता हूँ तो चीज होगी या हाँ बोलेगी या तो फिर जो फ्रेंडशिप है वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ वो क्या सही है क्या गलत है, वो तो वक्त ही बताएगा। मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब उनको जानते हैं पहचानते हैं। कई लोग बोल रहे थे कि सर वो आपकी कास्ट की लड़की है कि नहीं है, तो मैं आप लोगों को आने वाले समय में बतला दूंगा कि वो जो लड़की है वो हमारे कास्ट की है कि नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और आप लोग कमेंट करके बतला रहे हैं उस हिसाब से मैं काम करूंगा। बस यही सब चीजें है गाइस, पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में। और सही बता रहा हूँ, इस पर मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा करके, और अभी तक मम्मी को पता नहीं है कि ये सब चीज के बारे में भी व्लॉग बना रहा हूँ करके। हो सकता है कि कल परसों मम्मी देख ले, तो अभी तक तो देखी नहीं, अगर देखी होती तो सबसे पहले मेरे पास आती और फिर या तो डांटती या फिर कुछ ना कुछ तो जरूर बोलती। जो भी कुछ हो गया रियलिटी आप लोगों को बतलाती हुए चलूंगा मैं कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, हाँ या ना या फिर कौन लड़की है, सब धीरे धीरे आपको बताते चलूंगा। तो अभी मैं चाय बना रहा हूँ, चाय बना के मम्मी को देना है, मम्मी उठ चुकी है, मम्मी भी सोई थी दोपहर को, तो बस चाय पीते हैं उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना होता है हमारा शाम को। तो ये देखिए चाय रखा हुआ हूँ मैं क्योंकि शाम का समय है, चाय तो बनता है सुबह और शाम को ये चाय पीती है अपन। और यहाँ पे मम्मी बाल संवार रही है अपना देखो मस्त सीढ़ी में बैठ के। तो वही है गाइस, अभी मम्मी को कुछ भी पता नहीं है, पता रहता ना तो इतने शांत नहीं रहती, कुछ ना कुछ तो जरूर बोलती। मुझे लगता है कि अभी देखी नहीं है वीडियो मेरा, हो सके तो रात को देखे या फिर कल देखे, जो भी होता है आप लोगों को मैं बतलाऊं। जो भी लड़की है वो भी आप लोगों को धीरे धीरे बतलाते चलूंगा मैं, पता नहीं क्या होगा। थोड़ा सा डर भी है मुझे कि अगर मैं बोल देता हूँ तो जो फ्रेंडशिप है और जो भी रिश्ते भी तक हैं अपने वो ख़त्म ना हो जाए करके। और कुछ लोग अपने अपने तरीके से गैस भी कर रहे हैं कि तानी जी हो सकती है या फिर कोई और लड़की हो सकती है, कोई अदर कास्ट हो सकती है, तो इतना दिमाग मत लगाइए, मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा। हाँ अच्छी बात यह है कि आप लोग अपना थोड़ा सा बातें अपने रख रहे हैं कि हाँ ये हो सकती है वो हो सकती है करके, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। आप लोग इतना सपोर्ट इतना प्यार करते हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। बस चाय बन रहा है और कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा गाइस कि जो भी लड़की है उससे मैं बात करने की कोशिश करूंगा अपने दिल की, तो देखते हैं क्या होता है। भाई धक धक अभी से चालू हो गई है और खुशी भी है कि चलो इतने सालों के बाद में फाइनली मैं कुछ किसी को बोलने जा रहा हूँ। मैं अभी तक किसी को कुछ बोलता नहीं था मैं, ना घर में ना अपने दोस्ती यारों के साथ और ना किसी को भी, जो था बस हाँ में हाँ था, चाहे उसमें मेरा मन रहे या ना रहे तो करना पड़ता है। ले घर में देखो मम्मी अभी कुछ पता नहीं है मम्मी को, पता नहीं बैंड बजेगा अपना क्या होगा। भाई साहब चाय पीते हैं उसके बाद में सोचेंगे।